अरविंद केजरीवाल के परिवार में माँ बाप, बेटा बेटी और बीवी को जोड़कर कुल 6 लोग हैं। लेकिन केजरीवाल ने अपने परिवार को दुनिया के तमाम ऐशो आराम उपलब्ध करवाने के लिए घोटाला करके जो शीश महल बनवाया उसमें 1-2 नहीं बल्कि 12 टॉयलेट हैं। इतना ही नहीं, 21,000 वर्ग फुट में बने इस शीश महल में दर्जन, 2 दर्जन नहीं बल्कि 50 एसी लगे हैं, जिसका मजा इन दिनों आतिशी मरलेना जमकर उठा रही हैं। शीश महल में आतिशी मरलेना का रहना बिल्ली के भाग से छींका टूटने जैसा ही है। अगर जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर सीएम ऑफिस जाने और काम करने पर रोक नहीं लगाई होती तो आतिशी मरलेना शीश महल को पूरी तरह से कभी देख भी नहीं पाती। इस सीएम हाउस उर्फ शीश महल को लेकर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसी जानकारी है जिससे पता चलता है कि वो कितनी आलीशान जिंदगी जीते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक ने चुनाव के दौरान खुद को सादगी का प्रतीक बताते हुए कहा था कि वो बड़े और आलीशान घरों से दूर रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे नेता की छवि बनाने की कोशिश की जो आम लोगों की तरह सामान्य जीवन जीते हैं। हालांकि हाल ही में ये सामने आया है कि केजरीवाल अब एक भव्य और विशाल बंगले में रहते हैं। चुनावी प्रचार में किए गए वादों के विपरीत उनका यह निवास स्थान 21,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो बेहद ही लग्जरियस सुविधाओं से लैस है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। भाटिया ने कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो इस कथित विलासिता को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बंगले में ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जिसे अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि वो बाहर आए। बंगले में 8 बेडरूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट, 3 मीटिंग रूम, 24 सोफा सेट, 76 टेबल, 45 चेयर, 50 इंडोर एसी लगे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पहले दिल्ली की जनता की कसम खाई थी कि वो बड़े बंगले की चाह नहीं रखते, लेकिन आज वो शीश महल में रह रहे हैं जो भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति से बना हुआ है। बीजेपी का कहना है कि एक ओर दिल्ली की आम जनता छोटे छोटे मकानों में रहने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल खुद एक आलीशान बंगले में रहकर जनता के साथ अन्याय कर रही हैं। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल केवल नीले रंग की साधारण शर्ट पहनकर और आम आदमी की तरह दिखकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाटिया के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास को एक भव्य आवास में तब्दील कर दिया गया है जो विलासिता का प्रतीक बन चुका है। बीजेपी का कहना है कि ये स्थिति आम आदमी पार्टी के उस दावे का खंडन करती है जिसमें केजरीवाल खुद को आम आदमी के नजदीक बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर सवाल उठाए और इस दिखावे की राजनीति को पहचाने। गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में साफ अंतर है और अब समय आ गया है कि केजरीवाल अपनी कथनी के प्रति जवाबदेह बने। उनका आरोप है कि जनता से बड़े बड़े वादे करने वाली पार्टी अब स्वयं विलासिता में डूबी हुई है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। हर दिन अपना रंग बदलने वाले खालिस्तानी समर्थक कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो फिर से कनाडा में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एलन मस्क ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जस्टिन ट्रूडो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाहों में भी जस्टिन ट्रूडो खटकते रहे हैं, इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जस्टिन ट्रूडो की हरकतों को देखकर ही माइकल ट्रंप ने कहा उन्हें स्पष्ट रूप से बेईमान और झूठा कहा था और अब कनाडाई लोग भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिख रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में अमेरिका की सत्ता होगी। जाहिर है कि इससे जस्टिन ट्रूडो को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हाल में कनाडा ने द ऑस्ट्रेलियन टुडे को विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण दिखाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश में बैन कर दिया, तो इस मीडिया आउटलेट ने भी ट्रूडो को लताड़ लगाई है। द ऑस्ट्रेलियन टुडे ने हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया था, जिसके बाद कनाडा ने उन्हें अपने देश में ब्लॉक कर दिया। इसके बाद द ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रबंध संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने पूछा कि अगर कनाडा की समस्या भारत से है तो
तो वो हमें निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पब्लिकेशन आजाद मीडिया की वकालत करना जारी रखेगा। हम अपने समुदाय की ओर से दिखाई गई एकजुटता का महत्व समझते हैं। सूचना की स्वतंत्रता और दर्शकों की विविध दृष्टिकोणों तक पहुंचने के अधिकार को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सिर्फ द ऑस्ट्रेलियन टुडे नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कनाडा की ऐसी कार्रवाई से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पाखंड की बू आती है। एक्स के मालिक एलन मस्क तो खुलेआम ट्रूडो का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। किसी ने एक ट्वीट में एलन मस्क से कहा कि वो अपने देश कनाडा में ट्रूडो से मुक्ति चाहते हैं, तो एलन मस्क ने जवाब दिया कि चिंता ना की जाए, अगले चुनाव में ट्रूडो का सत्ता से हटना निश्चित है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय हो गई है। इससे अमेरिका के दोस्त कनाडा की टेंशन बढ़ गई है। वजह है ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारी पड़ सकती है। दरअसल एलन मस्क अपने मुखर बयानों और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। वो बीते कई सालों से लगातार जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क ने ट्रूडो की आलोचना की हो या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर ट्रूडो को घेर चुके हैं। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो सरकार जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एक्ट लेकर आई थी, तब भी एलन मस्क ने ट्रूडो सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने ट्रूडो पर फ्री स्पीच को कुचलने का आरोप लगाया था। फरवरी 2022 में ट्रूडो सरकार की हेल्थ पॉलिसी को लेकर कनाडा के ट्रक चालकों ने विरोध जताया। रोड और ब्रिज जाम कर इन प्रदर्शनकारियों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट कर जस्टिन ट्रूडो की तुलना हिटलर से की थी। उन्होंने हिटलर की तस्वीर वाला एक मेम शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि ट्रूडो से मेरी तुलना करना बंद करो। हालांकि बाद में एलन मस्क को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। अमेरिकन जेविस कमेटी ने इसके लिए एलन मस्क से तुरंत माफी की भी मांग की थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पुराने ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने बताया था कि किस तरह G7 में ट्रूडो का रवैया अलग था और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय अलग। उन्होंने ट्रूडो को उस समय पोस्ट में बेईमान और बहुत धूर्त व्यक्ति बताया था। दिल्ली में हनुमान भक्त की नौटंकी और हरियाणा में खुद को भगवान राम बताने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता जब अपने घर बैठ गए हैं। पार्टी के पार्षद और विधायक आपसी कलह में उलझे हैं। इन हालातों में आम आदमी पार्टी की हालत दिल्ली में खस्ता होती जा रही है। केजरीवाल ने बैठकें की, पार्षदों और विधायकों से मुलाकात की, ताकतवर कार्यकर्ताओं के घर गए, लेकिन बात नहीं बनी। न हनुमान की भक्ति काम आई और न खुद के राम की तरह त्यागी बताने का ढोंग। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल अचानक सत्य हरिश्चंद्र बन गए हैं और उनके कष्टों से अपनी तुलना करने लगे हैं। पता नहीं केजरीवाल के ऐसा करने से आम आदमी पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं का दिल कितना पसीजेगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना काम करेंगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन केजरीवाल सबको मनाने और पार्टी को एकजुट रखने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ BJP है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर न्याय यात्रा निकालने जा रही है। तुर्कमान गेट और बल्ली मरण जैसे इलाकों से ये यात्रा गुजरनी है। मतलब साफ है कि कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करेगी और आखिर में घोटालों और भ्रष्टाचार से दागदार हुई पार्टी की और खुद केजरीवाल की छवि सबसे बड़ी मुसीबत है। इसीलिए अब तक कार्यकर्ताओं और नेताओं को किनारे लगाकर रखने वाले अरविंद केजरीवाल अचानक कार्यकर्ताओं को याद करने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह भी किया कि BJP चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करेगी, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, लेकिन हमें उन्हें जीतने नहीं देना है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी
देश की राजनीति में ताजी हवा का झोंका है और हमें इसे आगे ले जाने की जरूरत है। केजरीवाल ने राजा हरिश्चंद्र से तुलना करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में हम सबसे कठिन दौर से गुजरे हैं, लेकिन भगवान कठिनाइयां भी सबसे प्रिय भक्तों को देता है और उनकी परीक्षा लेता है। भगवान ने राजा हरिश्चंद्र की कितनी कठिन परीक्षा ली थी। केजरीवाल ने कहा कि अभी तक पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी से सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने खरीदने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन उल्टा पार्टी और मजबूत हुई। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश जारी करते हुए उनसे अपील की है कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और वो अब फुल टाइम इस काम में लग जाए। इसके लिए उन्हें अपने काम से 1-2 महीने की छुट्टी ही क्यों न लेनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो जब से जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार सबसे मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अगर दिल्ली से बाहर हैं तो यहाँ आ जाएं और अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के घर 1-2 महीने के लिए रुक जाएं, और अगर वो दिल्ली में हैं तो अपने कामकाज से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लें, और अगर छुट्टी नहीं ले सकते तो प्रतिदिन कुछ घंटे पार्टी के लिए निकालें। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। किसी जमाने में यूपी की पुलिस आजम खान की गाय और बकरियां खोजा करती थी, वो कुछ वैसा ही कांग्रेसी राज्य में हो रहा है। जहां सीएम साहब का 5-स्टार होटल से आया समोसा कोई दूसरा चट कर गया, अब राज्य का पूरा खुफिया तंत्र इस बात का पता लगाने में जुट गया कि आखिरकार किसकी मजाल की सीएम साहब का समोसा खा जाए। असल में यह घटना कंगाल हो चुके हिमाचल प्रदेश की है, जहां के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए 5-स्टार होटल से समोसे मंगाए गए थे, लेकिन समोसा सीएम साहब के सुरक्षा कर्मचारी खा गए। अब इस मामले की सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि सरकार ये मान रही है कि ये महज समोसे की हेराफेरी नहीं बल्कि राज्य विरोधी कृत्य है और इसके लिए दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार विरोधी कृत्य अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है। ये गड़बड़ी तब हुई जब 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय में मुख्यमंत्री के दौरे के लिए लक्कड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से समोसे और केक के 3 डब्बे मंगवाए गए, लेकिन ये सीएम की जगह उनकी सुरक्षा टीम को परोस दिए गए। डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी ने इस गड़बड़ी की जांच की। समोसे को लेकर सरकार में मचे हाहाकार पर भाजपा ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार आईजी रैंक के एक अधिकारी ने सब इंस्पेक्टर को सीएम के लिए नाश्ता खरीदने का निर्देश दिया, फिर एसआई ने एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को होटल से नाश्ता लाने का काम सौंपा। उन्होंने 3 सीलबंद डब्बों में नाश्ता लाकर और एसआई को इसके बारे में बताया। पुलिस अधिकारियों ने बताया उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से इस बारे में सलाह की थी, क्या ये स्नैक्स मुख्यमंत्री के लिए थे। उन्होंने बताया कि ये आइटम उनके लिए बनाए गए मेन्यू का हिस्सा नहीं थे, जिससे भ्रम की स्थिति और बढ़ गई। दरअसल 21 अक्टूबर को सीआईडी दफ्तर में कार्यक्रम था और इसमें सीएम भी पहुंचे थे। यहां पर सीएम के लिए लाए गए केक और समोसे उनके स्टाफ को बांट दिए गए और इसकी जांच सीआईडी ने की। जांच में पता चला कि सिर्फ एसआई को ही पता था कि ये डिब्बा खास तौर से सीएम सुक्खू के लिए था। जब इन्हें महिला कांस्टेबल को सौंपा गया तो उन्होंने किसी वरिष्ठ अधिकारी से पुष्टि नहीं की और इन्हें नाश्ते के लिए जिम्मेदार मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सेक्शन को भेज दिया गया। इस गलती के कारण इन बक्सों को उनके उचित व्यक्ति तक नहीं पहुंचने से पहले ही कई हाथों से इधर उधर हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि समन्वय की ये कमी इस गलती का एक महत्वपूर्ण कारण थी। भाजपा नेता ने कहा कि सीआईडी विभाग के एक अधिकारी ने लिखित नोट में इस घटना पर चिंता व्यक्त की। नोट में जांच रिपोर्ट में नियमित लोगों पर सीआईडी और सरकारी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया। ये घटना हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे वीवीआईपी से जुड़े कार्यक्रम में इस तरह की तालमेल की दिक्कत होने से सरकारी तंत्र की फजीहत होती है।